खैरागढ़ उपचुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दुर्ग प्रवास पर हैं। वे प्रतिदिन पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के साथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने खैरागढ़ उपचुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में 7 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सभी केंद्रीय मंत्रियों ने अपने नजदीकी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। भिलाई में मौजूद केंद्रीय मंत्री ने भी पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के साथ सेक्टर 6 भिलाई के मार्केट में स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं उपस्थित ग्राहकों से घंटों चर्चा भी की। जो लोग हैं उन सबके अच्छे स्वास्थ्य की भारत हमेशा से कामना करता है। योग निरोग का आधार है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और दुनिया ने इसे स्वीकार किया। लेकिन देश के भीतर एक बड़ी चुनौती थी कि जो हमारे वृद्ध सीनियर सिटीजन्स थे, जो नियमित तौर पर औषधि लेने वाले अस्वस्थ व्यक्ति थे, उनको ब्रांडेड दवाई के कारण बड़ा खर्चा उठाना पड़ता था। एक विचार विशुद्ध रूप से प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति का परिणाम था कि उन्हें जन औषधि केंद्रों की शुरुआत की, जिनमें जेनरिक दवाइयां मिल रही हैं और ब्रांडेड दवाइयों से बेहद सस्ती। एक उदाहरण मुझे एक जो यहाँ से उपभोक्ता है उन्हें दिया कि ब्रांडेड दवाई अगर हार्ट की हम 500 रुपये में बाज़ार में देते हैं तो वो उनको यहाँ 30-31 रुपये में मिलती है। एक शुगर की दवाई बहन जी ने उन्हें कहा कि 93 रुपये में बाज़ार में मिलती है, यहाँ पर वो 20 रुपये या 23 रुपये में मिलती है। ये जो फ़र्क है, मैं 100% और 200% का फ़र्क नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये इतना बड़ा फ़र्क है जिससे खुद उपभोक्ता संतुष्ट है। और मैं मानता हूँ कि बिना मांगे इस वर्ग को जिसको नियमित दवाइयाँ लेनी है, प्रधानमंत्री ने एक बेहतर विकल्प दिया है। छत्तीसगढ़ में ये 119 दुकानें हैं, जिसमें भिलाई में 21 हैं, कुछ सरकारी अस्पतालों में, कुछ निजी क्षेत्रों में, लेकिन वो मूर्त रूप ले रही हैं। लोगों की संतुष्टि प्रधानमंत्री के लिए अभिनंदन के लिए, इसलिए मैं उनकी तरफ से जनौषधि केंद्र जो चला रहे हैं उनकी तरफ से और मैं अपनी तरफ से प्रधानमंत्री का आभारी हूँ। जब मैंने लोगों की बात सुनी, उनकी जो संतुष्टि है वही हमारी पूंजी है, वही सफलता।